plus 7 is equal to 10. 3 plus 7 is equal to 10. Okay, interpretation is finished. By the President Dr. Kabir Marif, Dr. Shamsul Achari, sir. The followed by the felicitation of Zaki will be, by Zaki, Maulana will be felicitated by Professor Rashid Ahmed, sir, the Vice President Dr. Kabir Marif, and the Harai will be presented by Maulana Parveez Alam Al Qasmi, sir, HOD. आज के इस प्रोग्राम का जो खास पार्ट है मरकज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन एजुकेशन को हजरत मौलाना बदुद्दीन अजमल अल कासमीन साहब के हाथों इनका पहला दिन इनका पहला सबक शुरू होने जा रहा है। 1994 में एजुकेशन मिशन को जारी करने के लिए जो अजमल का स्लोगन है अजमल फॉर एजुकेशन एजुकेशन फॉर ऑल, इस मिशन को सामने रखते हुए मरकज अकेडमी हौजाई में शुरू किया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अजमल सीएसआर और अजमल के जरिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर में चल रहे हैं। मरकज अकेडमी के नाम से इस वक्त 42 स्कूल्स मुख्तलिफ इलाकों में आसाम के चल रहे हैं। मैं आज के इस यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम मतलब उसके जिम्मेदारों ने मरकज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन नाम दिया है, बड़ा प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। इस नाम के अंदर एक कशिश है, इससे साबित करना चाह रहे हैं साउथ अफ्रीका लंदन में तालीम का नया जारी है, कोई नई चीज नहीं है, हमारे यहाँ के लिए नया है। तो हम आज खुदा में मरकज मारिफ प्रेसिडेंट साहब से लेकर और ई प्रेसिडेंट साहब तक और जो इसके जिम्मेदार हैं दोनों ने बड़ी हिम्मत की, 24 बच्चों को पूरा का पूरा मुकम्मल हाफिज करने के बाद अब इतना बड़ा ये बेड़ा उठा रहे हैं कि 5 साल में इन बच्चों को हायर एजुकेशन तक पहुंचाएंगे। ये हमारे आसाम के लिए एक यूनिक चीज होगी, शायद ऑल इंडिया लेवल पर भी हैदराबाद वगैरह में तो है लेकिन हमारे आसाम में नहीं है। इसलिए मैं इन बच्चों को मुबारकबाद दे रहा हूं, ये बच्चे अपने आप को कम न समझे बल्कि ये कहें हम किसी से कम नहीं, इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो हाफिज़े कुरान भी होंगे, अल्लाह ने चाहा तो आलिम अमल भी होंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मॉडर्न एजुकेशन से एजुकेटेड भी होंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, आईएएस आईपीएस वगैरह बनेंगे। इंशाअल्लाह इन बच्चों को फ्यूचर में आज जमीन से उठा के आप लोगों ने आसमान पर पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इस मकसद में आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनतों को कामयाब करे, आने वाले दिन ये साबित करेंगे तो वाकई आप लोगों ने जो बेड़ा उठाया था उसको आप लोगों ने पूरा करके दिखाया। आसाम एक दिन हो जाए एजुकेशनल हब बनना था, बन गया अल्हम्दुलिल्लाह अजमल फाउंडेशन ने। इंशाअल्लाह यहाँ के ये बच्चे कल दुनिया में कम्पीट करेंगे, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह कम्पीट करेंगे। इसलिए हमारे इन बच्चों को, साथीदार को, इसके चाहने वालों को, सब लोगों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनकी तमाम मुश्किलों को आसान करे, इनके घरों में इनके माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमाए।